जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल ने अपनी सुर्खियां बटोरी, जिसमें सुशांत सिंह को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। जानकारी दे दे, कई लोगों का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की असल जिंदगी नशे ने ही खत्म कर दी थी। कहा जाता है कि भारत में आमतौर पर विदेश से आती है ये ड्रग्स। नशे की इतनी हैवी डोज के कारण सुशांत एक तरीके से काल्पनिक जिंदगी जीने में लगे थे, जिसमें इंसान को वो होता हुआ दिखाई देता है जो वास्तव में नहीं हो रहा हो। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स सप्लाई करती थी, ऐसी खबरें सामने आई थी। सुशांत के हाथों से पिछले कुछ समय में कई फिल्में निकल गईं। इसकी वजह ये भी थी कि सुशांत शर्त रखते थे कि रिया चक्रवर्ती भी साथ में काम करेंगी। इसके पीछे तो रिया चक्रवर्ती की साजिश का हाथ कह सकते हैं। खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती भी यही चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्हें भी काम मिले। खबर यह सामने आई थी कि साल के अंत में कोई ऐसी फिल्म बनाने वाले थे जिसमें सुशांत और रिया एक साथ दिखाई देने वाले थे। सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत ने बताया कि ड्रग्स के कारण उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। क्या दीपेश सावंत रिया चक्रवर्ती से मिला था या फिर सच में सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे, इस बात का खुलासा सुशांत सिंह कर सकते थे जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन की दवा और गांजे का सेवन सुशांत के शरीर पर क्या हावी हो गया था? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत गांजे का सेवन करते भी थे कि सुशांत सिंह को सिर्फ बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन अगर डिप्रेशन और गांजे का सेवन एक साथ करें तो क्या होता है, जानकारी देते हैं आपको। सुशांत डिप्रेशन का इलाज के लिए दवाई ले रहे थे और साथ ही वो गांजा भी लिया करते थे। डॉक्टरों का मानना है कि ये कॉम्बिनेशन जानलेवा हो सकता है। दोनों ही चीज़ें यानी डिप्रेशन की दवाएं और ड्रग्स दिमाग के केमिकल्स पर असर डालने का काम करती हैं, लेकिन दोनों का काम एक दूसरे से उलट होता है। डिप्रेशन की दवाएं एक न्यूरो केमिकल को बढ़ाती है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, दूसरी तरफ गांजा जैसी ड्रग्स दिमाग में सेरोटोनिन को कम करती है। गांजे के असर से इंसान के दिमाग में वहम और शक जैसी भावनाएं पैदा होती हैं। ड्रग्स मूड डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर कोई व्यक्ति दोनों चीज़ें साथ ले रहा है तो उसकी मानसिक हालत बहुत ख़राब हो सकती है। इस हाल में सुशांत अपनी ही जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से कहा गया कि अगर गांजे और डिप्रेशन का सेवन एक साथ करते हैं। लेकिन खबरें ये थी दोस्तों कि सुशांत ने तो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन की दवाई लेना बंद कर दिया था, बावजूद इसके अगर वो नशा करते भी थे तो कैसे उन पर ये हावी हो सकता है, सवाल सबसे बड़ा यहीं खड़ा होता है। कमेंट्स करके राय बताइएगा, क्या सचमुच सुशांत सिंह आपको ऐसी शख्सियत लगते थे कि वो नशा कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर देख के हमें तो नहीं लगता। बाकी अगर डिप्रेशन की दवाई और नशे का सेवन एक साथ जानलेवा होता तो सुशांत ने अंतिम दिनों से महीनों पहले ही डिप्रेशन की दवाई लेना बंद कर दिया था, ये बात तो सचमुच सामने आई थी। तो ऐसे में वो हावी क्यों हुआ और सुशांत सिंह ने बड़ा कदम उठाया क्यों, और अगर सुशांत सिंह ने नहीं उठाया बड़ा कदम तो इसके पीछे साजिश किसकी थी। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।